नाड़ा के टावर जो अभी कम्प्लीट हुए, और ठीक ये है मेट्रो, यहाँ पे जो मेट्रो जाती है। हाय नमस्कार कामना, मैं आज आपको दिखाती हूँ माड़ा के बिल्डिंग, और बताती हूँ आपको कि माड़ा में अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं, खुद का अगर बुक कराना चाहते हैं, तो उसके उसका प्रोसेस क्या है। तो जो मुंबई माड़ा में जो फ्लैट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, माड़ा के जो फ्लैट होते हैं उनका ये निकलता है, टोकन निकलता है, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ की, तो उसके अंदर में आता है माड़ा। आप से जैसे आपके नाम से ये फ्लैट अगर अलॉट हुआ है, आपको मिला है, तो आप इसे सेल नहीं कर सकते, किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये आपके नाम ही रहेगा। इसका प्रोसेस होता है कुछ सालों का, ठीक है। अभी जो माड़ा की फ्लैट बन रहे हैं वो अच्छे टावर बन रहे हैं, 1 BH 2 BH, क्योंकि पहले जो बनते थे वो भी ज़्यादातर 1 R के और 1 BH के होते थे, लेकिन उतनी सारी फैसिलिटीज, उतनी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। अभी तो बड़े बड़े टावर 25-30 फ्लोर के जैसे, अभी जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ये है 25 फ्लोर का, 25 फ्लोर का है, 25 फ्लोर। तो यू नो मज़ा आता है, जैसे आप प्राइवेट बिल्डिंग में रहते हैं, टावर में रहते हैं, उस तरह से आप माड़ा का भी टावर है, जिससे आप उसमें आप रहने के बाद एक अच्छे कंपाउंड, अच्छी सोसाइटी, साफ सुथरी, नीरन क्लीन है, माड़ा के नो डाउट अच्छे फ्लैट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसे अपना किस तरह से रिनोवेट कराते हैं, किस तरह से अपने घर का फर्नीचर रखते हैं, किस तरह से उसे डेकोरेट करते हैं, वो आप पर होता है। लेकिन ठीक ठाक इसलिए एक फैमिली के लिए 1 BH चलता है, यहाँ पर ठीक तरह से टाइम टाइम पर जब माड़ा के ये अलॉट होते हैं, तो इनका जो लॉटरी निकलती है उस टाइम पर लॉटरी में ये होता है कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपने फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है, तो 5000 लगता है फॉर्म भरने के लिए। 5000 भरने के बाद जब आपका नंबर अगर आता है, तो आपको लॉटरी जब आएगी, तो आपका नाम अगर उसमें जैसे लॉटरी ना, तो अगर आ गया आपका नाम, देखिए आपके नाम का फ्लैट मिल गया है, अलॉट हो गया। और अभी काफ़ी सारे माड़ा के बन रहे हैं, हर एरिया में बन रहे हैं। अभी जब यहाँ पर मैं हूँ, ये दोरे गाँव है, इसके बगल में दूसरा भी बन रहा है, वो भी माड़ा का। तो माड़ा के अभी काफ़ी सारे फ्लैट, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप पेपर में देखते रहिए, पेपर में निकलता रहता है, माड़ा वाले ऐड देते रहते हैं, तो उसमें देखिए, नहीं तो इसका बांद्रा में ऑफिस है, बांद्रा पुष्पा कॉम्प्लेक्स में, वहाँ जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं, एंड आप माड़ा का इस तरह से प्रोसेस है, बस भर के आप फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, लॉटरी आएगी। अगर आपका नहीं भी होता, आपकी लॉटरी नहीं निकलती, आप फ्लैट आपके नाम में नहीं अलॉट होता, तो आपका फॉर्म भरा जाता है, वो रिटर्न आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो उस तरह से है काफ़ी बड़ा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा एक कंपाउंड है, और काफ़ी बड़े बड़े फ्लैट थे, काफ़ी अच्छा फ्लैट। ये बेडरूम होता है, बेडरूम है, फिर ये किचन है, यहाँ पे जब अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये किचन का एरिया होता है, और यहाँ पे टॉयलेट और वॉशरूम अलग अलग तरह के देते हैं, ये होता है। और ये आ जाते हैं ये हॉल, तो ये हॉल में बालकनी होती है, और ये मेट्रो चाहते हैं, और अगर हम बाहर का एरिया जो देखते हैं, जैसे कि माड़ा में बनाते हैं, तो यहाँ पे बालकनी देते हैं, और प्लस ये इस तरह से यहाँ पर ना, और लिफ्ट, दो लिफ्ट, लिफ्ट की कंडीशन भी अच्छी रहती है माड़ा की, मेंटेन करते हैं यहाँ की सोसाइटी, जो यहाँ के सेक्रेटरीज होते हैं वो मेंटेन करके रखते हैं, ये है माड़ा की।